गाइस आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए आपका कमेंट आया था कि ये देखिए आपका कमेंट आया था सक्सेसफुल एग्जाम की तरफ से कि भाई क्रैक एग्जाम जैसा वीडियो और पीडीएफ कैसे बनाए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्रैक एग्जाम जैसा वीडियो बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए ये इस तरीके के इनके क्वेश्चन रहते हैं और ये इनका इस तरीके का थंबनेल रहता है। अभी आपको और बताएंगे जो क्रैक एग्जाम है तो ये किस तरीके के वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और कैसे वीडियो ये बना पाते हैं, अपने वीडियो को कैसे मतलब टाइपिंग क्या करना है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे थंबनेल कैसे बनाते हैं वो, ठीक है, वो एक पार्ट अलग रहेगा। लेकिन इसमें हम ये और बताएंगे कितने ऐप की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आप देख लीजिए इनका इस तरीके का ये थंबनेल, आप इस तरीके का थंबनेल भी बनाना चाहते हैं तो पार्ट हम टू एक लाएंगे, ठीक है। उसमें हम आपको बता देंगे कि ये थंबनेल किस तरीके से बनाया जाता है। आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें पार्ट टू दीजिए कि हम इनके जैसा हमें थंबनेल बनाना सीखना है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पार्ट टू भी प्रोवाइड करा देंगे। चलिए सबसे पहले और बात बता देते हैं। देखिए इस तरीके की ये वीडियो डालते हैं, वीडियो कैसे डालते हैं आप देख लीजिए, ये करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं इस तरीके से इनके राइटिंग एस सेम टू सेम अभी हम आपको बताएंगे। और ये देखिए बैकग्राउंड में इनका जो सी ई है ये कैसे लगेगा ये भी हम आपको बता देंगे। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, ये हो गया इनका थंबनेल। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कितने ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले अब देखिए ये ऐप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप इस तरीके का वीडियो बना पाएंगे। सबसे पहले आपको चाहिए एक पावर पॉइंट जिससे आपकी पीडीएफ बने या आप जो पढ़ाएंगे सब कुछ इसी के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आप पढ़ाएंगे उसको रिकॉर्ड करने के भी लिए तो स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए। तो स्क्रीन एक्स स्क्रीन रिकॉर्डर करके एक आता है, आप उसको ले लीजिएगा, वो सही तरीके से वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आपने पीडीएफ बना ली है उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर भी कर लिया है, जहाँ भी आप वीडियो बनाएंगे तो आपकी नॉइज़ भी आएगी। तो नॉइज़ डिटेक्टर करके एक ऐप आता है, उसका प्रॉपर वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप वो देख लीजिएगा कैसे क्या काम करता है, हर चीज़ हमने उसमें बताई है, ठीक है। नहीं तो आप ऐप कर लेंगे वरना नॉइज़ कैंसिलेशन सही से नहीं कर पाएंगे। ये ऑप्शनल है, आपके पास पेन टैब है तो अच्छी बात है। जिस तरीके से हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं ये पेन टैब से ही बन रहा है, और आपके पास नहीं है तब भी आप वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। और एडिट करने के लिए आपको पावर डायरेक्टर चाहिए, पावर डायरेक्टर से क्या होगा आपका वीडियो एडिट होगा। अब आपको समझ में आ गया, इससे आप पावर पॉइंट से आपकी पीडीएफ बनेगी या जो पढ़ाओगे स्क्रीन रिकॉर्डर इससे होगा और नॉइस कैंसिलेशन इससे होगा। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं है तब भी आपका वीडियो बन जाएगा और पावर डायरेक्टर से आपका वीडियो एडिट होगा। अब चलिए थोड़ा और हम आपको बता दें कि जो बैकग्राउंड में दिखा रहे थे वो किस तरीके से दिखा रहे थे वो दिखाना सीखना है, ये कैसे बनाना सीखना है आपको। ये जो दिख रही है देखिए जो पिक्सल लैब होता पावर पॉइंट पिक्सल लैब, हाँ पिक्सल लैब में आपको जाना है और आपको फोटो को ये साइज है 9:9, ठीक है, जो मतलब वीडियो का साइज होता है वही साइज है। उसमें जाने के बाद आपको कैपेसिटी का एक मिलता है, उसका आपको यूज करना, उससे इसको कम कर दोगे तो इस तरीके का आपको दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आप चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर पोर्ट्रेट मोड पे, वहाँ आपको किस तरीके से एडिट करना है हर चीज आपको बताएं, कैसे पीडीएफ बनानी है वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बगल में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, या पावर पॉइंट इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट खोलने के बाद सबसे पहले बेसिक क्या आएगी, प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, इसमें न्यू टैब आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज ले लेना है, नो थैंक्स इस पर कर देना है, क्रिएट करेगा। देखिए ये इस तरीके का आप कब तक डिलीट करेंगे तो उसके लिए आप स्क्रॉल करना, नीचे आना, ब्लैंक पेज ले लेना। उसके बाद अब आपको अपनी फोटो लगानी बैकग्राउंड जो हमने आपको अभी बताई, तो इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट जाने के बाद फोटो पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी इस तरीके का आपको बना के रखा होगा, ये देखिए ए टू मतलब आसिफ अली टैक वाला है तो हमने ये बना के रखा है, आप इस तरीके के लगा सकते हैं, ठीक। इसको हम फिक्स कर देते हैं, ये हो गया फिक्स। तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन लिखना है, तो क्वेश्चन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर टैप करना होगा, ये दिख रहा है, इस पर आपको टैप करोगे, थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब थोड़ा एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ कर लिया और आप इतने में रख सकते हैं, दूसरे वाले को सही से फिक्स कर देते हैं एक बार, ठीक है, ये हो गया फिक्स। एक बार और ले लेते हैं पेज को। अब क्या करना है आपको, देखिए इसको स्क्रॉल करके इतना कर लेना है, फिर आपको यहाँ लगा देना, इसी में क्वेश्चन आपका लिखा जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से करके इसी बॉक्स के अंदर ही क्वेश्चन को लिखा जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस साइज को सबसे पहले आपको बढ़ा लेना है, साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे हमने 28 कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ से कलर बदलना है तो कलर बदल सकते हैं, जैसे हम ग्रीन करना चाहेंगे तो हम क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, यहाँ बोल्ड का फॉर्म
फिलअप नहीं हो रहा, तो जैसे बी पे दाबोगे तो थोड़ा और अच्छे से दिखना चालू हो जाएगा। क्यू दाबा, उसके बाद आपका क्वेश्चन एक है और ये वाला कोष्टक लगा दिया। अब आपका जो भी क्वेश्चन मतलब है उसको लिखना है, तो आपको हिंदी इंग्लिश का आपकी जो कीवर्ड है वो होनी चाहिए। देखिए ये हिंदी में आ गया, जैसे हम बोलेंगे क्वेश्चन ऑटोमेटिक लिखना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर हम आपको आगे और बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन टाइप हो चुका है, जैसे आपको इसका कलर बदलना है तो सबसे पहले इस पर दाबने के बाद इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से लेके जितना आपको कलर करना है उसके बाद इधर जाना है। आपको जौन सा भी कलर करना है उस पर आपको दाब देना है, वो कलर आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन लिखने हैं, तो उसके लिए यहाँ से डन कर देना है, फिर इसको एक बार खोलना है। और ये देखिए ये सेव दिख रहे, इसी पे दाब के आपको ऑप्शन मिलेंगे, और आपको बेर बेर हैरान नहीं होना। उसके लिए क्या करना है, इसको इस तरीके से, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन एक बार आप इसका टेम्पलेट बना लें फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसे उठा के इधर लगा दें, जैसे आप इधर, ये देखिए यहाँ लग गया। अब इसको आपका क्या करना है, सबसे पहले आप इसका साइज सेलेक्ट कर लेना है, साइज आपको 36 रखना है, ठीक है। 36 रख, इसको बोल्ड रखना है। इसके कलर कैसे रखने, जैसे आपको ब्लैक ही रखने हैं तो यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर देना है, हो गया। अब आपको जैसे ऑप्शन ए डालना है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ये कोष्टक लगा दिया। अब देखिए सेम आप क्या करना है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, इस पे दाबना है, यहाँ देखो डुप्लीकेट मिल रहा है, तो दो आ गए। थोड़ा सा जूम आउट कम ज्यादा होगा तो इसको उठा के आपको नीचे लगा देना है, ठीक है। इसी के अंदर अभी हम क्वेश्चन को लिख देंगे। अब आपको इधर ऑप्शन बदल देना है, इधर हम बी कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम चार ऑप्शन बना लेंगे। एक बार आपको सिर्फ टेम्पलेट बना लेनी है, उसके बाद बस कॉपी पेस्ट होता रहेगा और यही चलता रहेगा। बस एक बार आपको टेम्पलेट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये हो गया। उसके बाद हम और कर लेते हैं, फिर आपको आगे बता। अब देखिए आपको क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन के लिए आप जो ऑप्शन में दिए गए इसको हिंदी से क्लिक कर देना है, और इसमें आपको इधर से बोल देना है, ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन को भर देते हैं, उसके बाद आपको आगे और बताते हैं। जब हम क्वेश्चन को बोलेंगे तो आपको इसमें आपको थोड़ा सा सुनाई नहीं देगा, तो चलिए हम आपको बोल के दिखा देते हैं। देखिए ये लिख के आ गया, इसलिए ये सुनाई नहीं देगा, थोड़ा आप रुकिए। देखिए इसमें आ चुका है नीरज चोपड़ा। इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन भर देने हैं, जौन जौन इसके ऑप्शन हो वो आपको भर लेने हैं। उसके बाद बी ऑप्शन में जो होगा वो हम भर लेंगे, फिर डी सी ऑप्शन में, फिर डी ऑप्शन में, इस तरीके से आप हम भर लेंगे, इनको ऑप्शनों को भर लेते हैं, फिर आपको और आगे बताते हैं। जैसे आपको इंग्लिश में भी लिखना है तो आप इसी के नीचे एक टेम्पलेट रेयर सा ये लेके इसी के इस तरीके से थोड़ा सा ये नीचे हो जाएगा, और उठा के आप एक यहाँ लगा दें और इंग्लिश में लिख दें। वैसे इंग्लिश में आप, इंग्लिश में कौन ज़्यादातर देखता है, हिंदी में ज़्यादा देखते हैं, तो आप हिंदी को कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम इन ऑप्शनों को भर, उनको फिलअप कर देते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। देखिए हमने चारों ऑप्शन भर लिए हैं, अब क्या करना है, प्लस वाले पे आपको ऑप्शन कर दें। इसको क्या करना है, इधर जैसे आप एक बार टाइप करेंगे यहाँ कॉपी का ऑप्शन आएगा, आपको उठा के इसमें पेस्ट कर देना है, इस तरीके से, ये हो गया पेस्ट। अब सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बदल देना, और आपने जो क्वेश्चन लिखा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप, बस हमने कहा था आपको सिर्फ एक बार टेम्पलेट बनानी है, उसके बाद ऑटोमेटिक इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको फिलअप कैसे करना है, चलिए हम इसको देखिए फिलअप करके आपको दिखाते हैं। ये इतना हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो आप सिलेक्ट करके भी हटा सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन बाद में हम एडिट कर देंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मेरा दूसरा है उसको हम लिख लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। बस इस तरीके से आप नॉर्मली को जितने 10 20 30 जितने आपको क्वेश्चन पढ़ाने हैं उतने पढ़ा सकते हैं। चलिए उनको हम टाइप कर देते हैं, आपको एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए इधर क्या है कि अब ये सब ग्रीन हो गया, इसको हमें दूसरे दूसरे कलर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से लेके जितना आपको मतलब बदलना है उतना सिलेक्ट करके, और आपको कलर में जाना है, जो भी आपको कलर रेड, जैसे आपको रेड लेना है तो आप रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका भी कलर आप दोनों, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर आपका ये दो हो गया। हमने कहा सिर्फ एक बार टेम्पलेट बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, जो ऑप्शन है आप इनको ऑप्शनों को ही बदल सकते हैं, जो जो ऑप्शन दिए गए उसको आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम फिलअप कर देते हैं, फिर आपको आगे और बताते हैं। देखिए यहाँ से आपकी पीडीएफ जितने आप पेज बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इसकी फोटो आप दिखाना जो इनके ऑप्शन हो, तो इस तरीके से इनकी फोटो भी लगा सकते हैं, यहाँ से ब्लैंक पेज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी पीडीएफ को कैसे, पीडीएफ में कैसे कर। देखिए आपको उसके नीचे तीन डॉट पे जाना है, शेयर पे जाना है, ठीक है। शेयर पे जाने के बाद आपको फुल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। प्रेजेंटेशन पे हम आपको ऐसे देंगे तो जब आप पावर पॉइंट होगा डायरेक्ट यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, और पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ में आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम पीडीएफ पे दाबेंगे तो ये पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगी।
आपको दिक्कत नहीं लेनी है। देखो आ गई ऑप्शन, जिसको आपको भेजना हो यहाँ से आप भेज सकते हैं। जैसे हम अपनी वाइफ को भेजना चाहेंगे यहाँ से भेज देंगे। अब ये PDF खोलेंगे किस तरीके से, देखो यही क्वेश्चन अभी हमने आपको टाइप करके दिखाए हैं, और ये देखो बगल में ही फोन रखा, और PDF खुलेगी इस तरीके की, आपकी PDF खुल जाएगी। ठीक है, जितने क्वेश्चन होंगे आपकी PDF खुल के सामने आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसका वीडियो कैसे बनाना है लैंडस्केप मोड पे, तो उसके लिए अब आपको और बता। ठीक है, देखिए ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये लैंडस्केप मोड पे चला जाएगा और आपका ये पूरा फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। इस पे हम क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद कैसे वीडियो बनाना वो भी हम आपको और बताते हैं। इस तरीके के आपके सामने इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये खुल के सामने आ गया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके क्वेश्चन को बदलता रहेगा, इधर क्लिक करेंगे आपके क्वेश्चन बदल, इधर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको पेन लेना है, तो इधर से नहीं तो सेटिंग में ये स्क्रीन रिकॉर्डर में देते हैं पेन, पेन टैब नहीं तो आप तब भी एक अपने हाथों से भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इसको हम खोल देते हैं, एक क्लिक हो गया। अब देखिए जैसे ये रहा, यहाँ देखो चलना चालू हो जाएगा। हाल ही में किसी BJP द्वारा दक्षिण राज्यों के राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया गया, तो आपके कौन है, नीरज चोपड़ा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब जैसे इसकी जो मतलब ये चलने की थिंग है ये ज्यादा मोटी है, तो इसको आप पतला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है, तो आपके ये मतलब ये नीरज चोपड़ा नहीं है और बकाया ये सारे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ा सकते हैं। चलिए अब आगे कर लेते हैं बात, ये हो गया, इसको हटा देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 2 करना है, तो 2 के लिए आपको क्या करना है, बस इधर एक बार टैप करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। देखिए ये तो क्वेश्चन बदल गया था, ये एक था क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब जैसे ही आप इसका लेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर आपका ये सामने आ जाएगा। जुलाई 2020 में किसे G20 के लिए नया सिरप्पा बनाया गया, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन होगा, तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर B, अमिताभ कांत। अभी अमिताभ कांत कौन है, तो आपको वो भी बता दिया जाए, ये आपके अमकांत कांत है। ठीक है, और इसको स्क्रॉल करना इस तरीके से आएगा, तो आपको समझ में आएगा वो फोटो किस तरीके से दिखाते हैं। फिर स्क्रॉल करोगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, बैक करोगे तो आपका सेम क्वेश्चन आ जाएगा। बस इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं। एडिट के लिए नॉर्मली है, कुछ एडिट नहीं करना है इसमें। आप चाहते हैं इसको एडिट करना कि सर हमें एडिट करना और बताइए, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जब हम आपको थंबनेल बनाना सिखाएंगे इसका, तो हम ठीक है जब हम इसका थंबनेल बनाना सिखाएं तब हम आपको ये भी बता देंगे ये कैसे एडिट किया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप भी कमेंट कर सकते हैं आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए हो, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बनाना सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कर लिया।